ओम तत्सत। आवाज नहीं करेंगे कोई, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा। बच्चे बाबू प्लीज। श्याम तेरे भजनों में मस्ती का खजाना है, 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 श्याम तेरे भजनों में मस्ती का Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राम राम हरे हरे तेरे प्रेमी झूमते हैं।
I'm gonna
समझ रहे हरे कृष्णा में अच्छा लगता है, डीजे में डीजे भी अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा है? हरे कृष्णा। कलयुग के लोगों को दोनों अच्छा लगता है। हरे कृष्णा जबरदस्त बज रहा है तो उसमें जाए चले जाएंगे, डीजे बजाए डीजे में चले जाएंगे। इधर हरे कृष्णा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, समझ रहे। उधर तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, उसमें भी जाए। आप देखें दुर्गा पूजा सब पंडाल बना देगा और दुर्गा जी का कम भजन लगाएगा और इधर उधर का भजन। मैंने बोला 11 बजे आते, क्या हुआ? बोला मेरा घोड़ा बीमार है। तो मरीज ने क्या देखा? जो आदमी था उसने देखा कंपाउंडर ने 1000 लेंगे हमसे, ठीक करा 500 में कर देंगे। ऐसे सेंसर लगे हुए, सेंसर डिटेक्ट करता है उसका, फिर एक्टिव हो जाता है और फिर वो मशीन है उसमें तो अपने एक्टिव होके वो। तो दो तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। एक तो है कि देखो ऐसे आने से, सामने आने से अपने आप खुल जाना है बस, और दूसरा उसको पूरी ज्ञान समझा सकते। देखो ऐसे करने से यहाँ पर क्या है, दो तो सेंसर लगे हुए देख रहे हो, लाल हल्का सा लाल चमका तो बना, हाँ देखे रहता है, तो उसको पूरी पूरी विज्ञान समझा कि देखो इसमें ऐसे ऐसे सेंसर है, ये सेंसर डिटेक्ट किया आपको कोई आ रहा है, उसके बाद इसने क्या किया, वो मैसेज नीचे चला गया नीचे से गेट पे। तो इस प्रकार से अगर हम समझाएंगे तो वो हमेशा के लिए बहुत अच्छे समझ जाए, समझ रहे। हम नहीं कहे बाबा, मेरे पास जितना बुद्धि प्रेम है हम उसी अनुसार समझाते हैं। हमसे भी ज्यादा जो जिसके पास बुद्धि विवेदन है वो उसको अनुसार से कुछ समझ। आप जो बाबा देते हैं दूसरे तरह का विज्ञान है। तो वही तो बता रहा हूँ कि हमें जिस प्रकार से हमारा कर्तव्य बनता है, ए बच्चों
बात मत करो आप। हरि बोल। है बच्ची, किससे बात करें? कथा सुनना चाहिए, बात नहीं कर रहे। आपका कुछ प्रश्न पूछे मुझसे कि कोई समझ में नहीं आता, बात करने से कथा डिस्टर्ब होती है, ठीक है? तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हम लोग अच्छे तरीके से अपने बच्चों को सिखाएं, सुनिए ध्यान से सुनिए, कथा के बीच में बात मत करें। आप लोग शांत होकर तो मैं कुछ बोल सकता, आप लोग पहली बात करते रहे मैं कैसे। तो आज भारत का पतन होने का एक कारण है कि लोग भक्ति को रीति रिवाज के रूप में ज्यादा प्रस्तुत कर और उसके पीछे के विज्ञान को नहीं समझा है। हमारे भारत जब सोने की चिड़िया हुआ करता था तब कारण क्या था कि सबको गीता का बहुत अच्छे से ज्ञान था, घर घर में गीता का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान हुआ, सबको ये विज्ञान पता था। तो सबको इतने अच्छे तरीके से विज्ञान पता था, इसीलिए सब लोग मन लगा के क्या करते थे, भगवान का भजन करते। इसी गीता में भगवान बता रहे हैं 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कि किस भजन तो बहुत लोग करते हैं बट किस भाव से भजन करना चाहिए। तो 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान गीता में बता रहे हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसको पूरा विज्ञान के रूप में बता। जैसे हम ये भी बोल सकते बेटा हरे कृष्णा करो मन की शांति मिल गया, अच्छा है, वो भी खराब बात नहीं, लेकिन उससे ऊंचा है कि हम बच्चे को बढ़िया समझा दें। समझ रहे हैं? मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं और बोलते हैं पूजी मेरे बच्चे को बोलिए ना, थोड़ा बहुत बदमाश है मेरी बच्ची, सुनती नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन मैं बोलता हूँ क्या हो गया, बोलते पूजी हम बोलते उसको माला करने करते नहीं है। बोलते भाई हमें उसको सिखाना पड़ेगा क्यों करनी चाहिए, केवल बोलने से नहीं होगा कि करती नहीं बच्ची, करती को समझाएंगे फिर न करे तो अलग बात। आज घर घर में आरती होती है, भगवान को दीप दिखाया जाता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, हाँ, लेकिन सबसे पूछा जाए ऐसा क्यों कर रहे हैं तो सबको इसका ज्ञान। आज बहुत लोगों के सर पे तिलक है लेकिन क्यों है बहुत लोग पता नहीं। रवि, क्या नाम है रवि? रवि आपके सर पे तिलक है, क्यों है बताइए, घबरे हो? तुमने तिलक लगाया नहीं चंदन, क्यों लगाया? सर ठंडा रखा, वेरी गुड, हरी वो वाह। तो सर ठंडा रखने के लिए समझ रहे हमने तिलक लगाया है तो पूरा अवसर को भर लेना चाहिए था। यहाँ पर इतना समय क्यों लगाया, पूरा सर को चंदन लगाया। तो आज भारत में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो हमारा कर्तव्य बनता है इस विज्ञान को हम पूर्ण रूप से लोगों को समझाएं। नहीं तो क्या हो रहा है, एक बार एक सेठ जी मंदिर जाते और मंदिर काफी भीड़ आती थी तो पार्किंग वहां से 500 मीटर दूरी थी, उन्होंने वहीं पर अपनी चप्पल खोल दी कि चप्पल वहां भुला जाएगी, बहुत भीड़ रहती है। तो चप्पल कहाँ खोल दी, गाड़ी में, और पैदल चले गए 500 मीटर दूर मंदिर के पास। और वहां पर दरबान खड़ा था और दरबान बोला रुकिए रुकिए। बोले मैं इंचार्ज हूं यहाँ का, क्या हूं मैं? बोले आप मंदिर के नियम सा पालन नहीं कर रहे, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले क्या हो गया, क्या नियम पालन नहीं कर? बोले देख रहे आप क्या लिखा हुआ बाहर, कृपया चप्पल यही उतारे। क्या लिखा हुआ है, आपकी चप्पल कहाँ है, चप्पल किधर है आपकी,
ये मंदिर का नियम है और मंदिर कलयुग फैल चुका है, कलयुग में अधर्म बहुत हो रहा है। अधर्म से बचाने के लिए मेरे को क्या नियुक्त किया गया है? सेवा दी गई और मैं अवश्य कलयुग को जो अधर्म फैल गया उसे रक्षा करूंगा। आपकी चप्पल की धन बोलो तो गाड़ी में 500 मीटर दूरी पे है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये मंदिर का नियम यहीं पर चप्पल उतारनी पड़ती है, तब जाके आदमी शुद्ध होता, तब जाके उसको अंतर। क्या करना पड़ेगा? चप्पल लेके आए, यहाँ उतारिए, तब शुद्ध होंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? सेठ जी बोला हरे कृष्णा, वापिस लग गया है इधर से। वो मूर्ख को पता नहीं चप्पल किस लिए बाहर खोलते। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कृपया चप्पल यहाँ उतारे, क्यों लिखा हुआ है? चप्पल उतारने के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या है? अंदर जाने से पहले उतार देना, वाहन के अंदर नहीं जाना। हाँ, वेरी गुड। प्रिंसिपल ये है कि चप्पल गंदी है, उसमें कीचड़ उचड़ लगा हुआ है, वो गंदे चप्पल पहन के आपको अंदर ना जाए। ये आपको चप्पल, मैं साधुओं के वाले चप्पल नहीं पहनता हूँ, मान लीजिए अगर तो, अगर कोई साधु नहीं चप्पल पहनता तो उसको साधु को तो घुसने नहीं देगा। तो चप्पल तुम तो अलाउड ही नहीं, तुम तो पहले चप्पल खरीदो, समझ रहे? खरीदो फिर यहाँ पर रखो, शुद्ध हो तब जाओ। और कोई चप्पल उतार दिया और पूरा कचरा उसका पाँव, उसको घुसना अलाउड है? पूरा उसका पाँव गंदा है, चप्पल उतार दिया फिर भी उसका पाँव गंदा है, उसको घुसना अलाउड है? उसको धोना चाहिए। कि भगवान के मंदिर में जा रहा हूं तो साफ होना चाहिए, चप्पल गंदी होती हो। अब देखिए नियम क्या था, साफ स्वच्छता से मंदिर के अंदर जाना है। अब उसको बिना समझे क्या कर रहा है, चप्पल, अब वो कीचड़ होके जाता है, लेके आता है चप्पल, रखता है, तब जाके उसको क्या देगा? यही हमारे भारत में रीति रिवाज इतने बना दिए गए हैं, इतने और इतने जटिल कर दिए गए हैं, उसका सार लोग भूल गए। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनका धर्म से रुचि कम होती है। कि जब तक तुम इस दुर्गा मैया का पूजा के दिन आज जल नहीं चढ़ाओगे तब तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे घर में हमें स्कूल थी, पिताजी बोले नहीं स्कूल लेट चले जाना, लेकिन तुमको आज शीतला पूजा है, शीतला मैया को जल चढ़ा के जाना। और जल नहीं, इतनी लंबी लाइन, जल नहीं चढ़ाएगा तुमको माता मारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई आ जाएगा। क्या बोलते चिपक, जो जल नहीं चढ़ाएगा उसको क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। ये मन घड़न चीज लिखा। हाँ, इतना सारा मुस्लिम लोग है, वो लोग तो कोई शीतला मैया को जल नहीं चढ़ा, सबको चिकन पॉक्स हो जाता है ना, सबको चिकन पॉक्स हो जाता है ना, है ना? क्या मुस्लिम लोग शीतला मैया को जल चढ़ाता है? वो लोग नहीं चढ़ाता, उनका चिकन पॉक्स हुआ है सबको क्या? तो बहुत बार झूठ मूठ का, कुछ नियम सही भी, ऐसा नहीं कि सब नियम सही, लेकिन कुछ नियम बिना सोचे समझे हम पे जबरदस्ती, वो तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे भारत के बहुत सारे नियम ऐसे हैं, पता है? एक बार एक बेटी की शादी हो रही थी घर में, तो जब बेटी की शादी हो रही थी तो जो सासू माँ थी वो बोली नहीं नहीं एक बिल्ली लेके आओ। क्या लेके आओ? तो शादी में बिल्ली, तो जहाँ फेरा होने वाला था बगल में बिल्ली को रखा गया, उसके ऊपर एक चेयर रखी गई, उसके ऊपर पत्थर रख के उसको लॉक किया गया। बोला इसके सामने ही फेरा होगा, बिल्ली ऐसे रखने के बाद ही क्या होगा? तो सबका जिज्ञासा हुआ कि अरे सासू माँ ये क्या नियम है कि बिल्ली के ऊपर चेयर रखा जाएगा, पत्थर रखा जाएगा, तभी फेरा होगा? बोले नहीं, ये हम लोग का खानदानी रिवाज है, इसके बिना अशुभ हो जाए, ये कौन सा रिवाज? तो पता चला बहू जो आई तो पता कि क्या ऐसा मेरे सास पागल जैसा काम की। तो पता कि जब इसका विवाह हुआ था, इसकी सास का, जब सास का विवाह हुआ था तो विवाह के समय उसकी सास के घर में एक बिल्ली थी पालतू, और बिल्ली बड़ा परेशान कर रही थी, विवाह में तकलीफ हो रहा था, तो अब परेशान कर रही थी। अब सब लोग यहीं पर बाहर थे, अब घर की बिल्ली है तो छोड़ भी नहीं सकते, तो
उसकी सास ने क्या किया था, बोला था बिल्ली को सामने रखो, कहाँ रखो, सामने रखो, और उसको भागे दौड़ने, उसके ऊपर एक सामान रख दिया था, समझ रहे कि वो एक जगह रहे, और उसके सामने क्या करवाया गया था। तो जब ये सास बनी है तो इसने भी बोला जो मेरी सास की थी वही हम करें। तो बिल्ली अब घर में नहीं थी, नया खरीद के लाए, कि बिल्ली जब तक नहीं रहेगी ऐसा नहीं होगा तो सबूत नहीं होगा। ये हमारा भारत का आज का नया था, उल्टे पुल्टे रीति रिवाज ऐसा बना दिया था कि लोग बता हमको नहीं पता। तुम ऐसे तिलक नहीं लगाया ना गोल वाला, तब तुम्हारा सबूत नहीं होगा। ऐसा ही हमारा खानदानी रिवाज है, कुछ जगह पे लाल तिलक के ऊपर पीला चंदन ऐसा ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही स्टाइल है, नहीं तो भगवान खुश नहीं होंगे, नहीं तो भगवान। तो ये सब झूठ मूठ के बहुत सारे चीज सही है, तिलक लगाना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान लुप्त हो गया है। तो अब क्या बच गया है, उल्टा पुल्टा सब लोग अपने मन से जो मनमाना करते, और सांस के तरह क्या करते हैं, बिल्ली को दबा के, और सब लोग कंफ्यूज रहता है क्या चल रहा है घर। ये खानदानी रिवाज है, ऐसा करना पड़ेगा, तू भी अपनी बहू का करना, समझ मैं तेरे को सिखा रही। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का धर्म से रुचि घटते जा रही, क्योंकि ऐसे उल्टे पुल्टे नियम जो लॉजिकल नहीं है, समझ रहे। हाँ, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूजा नहीं करेगा तो आपको पॉक्स हो जाएगा। बहुत जगह पे क्या लिख देगा, तुम ये पेपर है इसमें कोई पेपर छाप देगा, और ये पेपर को एक ही आदमी को नहीं देगा छपवा के, तो तुम्हारा घर में ये हो जाएगा पॉक्स। आजकल पहले आता था एक समय, तुझे तो पेपर रहेगा, और पेपर आप दूसरों को छाप के नहीं बांटोगे तो आपका घर में आप सब। इस प्रकार से धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत, तो धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है, वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे क्या, अहम सर्वस्य प्रभु, क्या बोल रहे हैं भगवान बता रहे, अगर भक्ति करनी, हरे कृष्णा करना है, राम का नाम लेना है, तो पहले राम की स्थिति को समझना पड़ेगा, राम की पोजीशन को समझना। मान लीजिए बीमार हो जाता हूं और डॉक्टर थोड़ी सी मेडिसिन देता है और बस वो ले लेंगे ठीक हो जाता है, क्योंकि उस मेडिसिन में क्या है, कुछ शक्ति है। तो मुझे सफेद रंग की कोई पाउडर देता है, बस खाइए ठीक हो जाए, आप नमक खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। उस पाउडर में कुछ ऐसी चीज है जो आपको ठीक कर देती, आपको बोले हाँ नमक ही खा लो, नहीं उसमें कुछ है, तो समझना पड़ेगा। तो वैसे भगवान के नामों में कुछ शक्ति है, इसको समझना पड़ेगा क्या है। तो इस श्लोक में भगवान पुष्टि कर रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सभी का क्या हूं, श्रोतु, मैं सभी का क्या हूं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवृत्त। यह चीज समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हम भगवान का भजन करें क्यों, फिर अगर भगवान हमारे जैसे हैं तो भगवान का भजन करके क्या लाभ। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान की स्थिति को समझना पड़ेगा, समझ रहे कि भगवान दिव्य है, भगवान क्या है। इसलिए पद्म पुराण में श्लोक आता है, मेरे पीछे दोहराइए, नाम चिंतामणि कृष्णा, नाम चिंतामणि कृष्णा, चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह। तो बोल रहे भगवान जो है दिव्य, नाम चिंतामणि कृष्णा, भगवान का नाम चिंतामणि है, और चैतन्य रस विग्रह, उसके अंदर चैतन्य रस है। इस दुनिया में हम रसगुल्ला खाते हैं, उसके अंदर जड़ रस है, थोड़ी देर खाने के बाद उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। आप मोबाइल लीजिए थोड़ी देर बाद उसका आकर्षण, हमारा शरीर का जड़ है, कुछ दिनों बाद गिरने लगता है। लेकिन भगवान का नाम क्या है, चिन्मय, क्या है, चिन्मय, भगवान का नाम क्या है,
चैतन्य रस विग्रह, इसमें चेतना है। माने किसी का नाम रिकी 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 रिकी, इसमें कोई चेतना नहीं। लेकिन भगवान का राम का नाम राम 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 चैतन्य, इसमें चेतना है, शक्ति है। इसमें क्या है? एक शक्ति। ऋषि महात्मा रात दिन नाम लेते थकते नहीं, बोली कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला, आधा घंटा में देखिए क्या होगा। अभिन्नम तो नाम नाम, भगवान का नाम भगवान से क्या है? अभिन्न। भगवान का नाम भगवान से, इसलिए कभी कभी हम लोग घंटों घंटों कीर्तन करते, नित्य भी करते। कभी कभी बच्चों को लेके जाता हूं कैंप में, टूर में, तीर्थों में, तो हम लोग रात दिन कीर्तन करते, आठ आठ घंटा, बारह बारह, चौदह चौदह घंटे हम लोग क्या करते, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। क्योंकि भगवान और फिर भी बोर नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या है? चिन्मय शक्ति है। और भगवान के नामों में पद्म पुराण में क्या लिखा है? नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त। समझ रहे हैं? आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है भगवान का नाम। जैसे कपड़े को आप सर्फ में डालते हैं तो उसकी गंदगी अपने आप, वैसे भगवान के नामों में अपने आप को जब डालते हैं, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, जब ध्यान पूर्वक जब करते हैं तो अपने आप आपकी जो अशुद्धता है, गंदगी खत्म हो जाती है। प्रभु जी बताते हैं कि मैं इनको 2014 या 15 में मिला था, तो उनको मैंने हरि नाम दिया, बोला भगवान का नाम लीजिए। स्कूल में प्रिंसिपल थे और मुझे पता ही था कि इनके अंदर कुछ बाद में पता चला 4 साल बाद कि पहले खैनी खाते थे। क्या खाते थे? और रात दिन खाते थे, मुझे पता नहीं था। मैं 3-4 साल में 3-4 बार मिला उनसे स्कूल में। मैं बोला भगवान का नाम जब कीजिए, भगवान की गीता पढ़ी, और 4 साल नाम जब करते करते उनकी खैनी छूट गई। हरी वो तो भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? अपने आप बुरी आदतें पूर्ण शुद्ध हो, आप पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? और जैसे प्रभु जी ने बताया, पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, और आप इस वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष गति को प्राप्त। फिर आपको इस दुनिया के धन की कोई लालसा नहीं होगी। क्यों आप चाहे? सुदामा जब भगवान को प्राप्त कर चुके, पत्नी बोले कुछ मांग ले भगवान से, बोले नहीं जरूरत नहीं। अरे जिसके हृदय में भगवान हो क्यों कुछ मांगेगा? आप 56 भोग खा रहे तो क्या के लिए सूखी रोटी मांगेगा? तो जो भगवान का आस्वादन कर, जैसे सुदामा दिन रात भगवान की गीता पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते थे, बड़े आनंद में थे। पत्नी बोलती, अरे पत्नी को लग रहा था दुखी, पत्नी भौतिक स्तर से सोच रहे थे लग रहा था बच्चे बहुत पति, लेकिन वो बड़े आनंद में रहते। तो पत्नी बोले जाइए जाइए, आपके द्वारकाधीश मित्र है, उसे कुछ मांग ली। तो भगवान के पास गए, मांगे नहीं कुछ, क्या मांगू, मैं तो अंदर से ऑलरेडी संतुष्ट हूं। फिर भी भगवान ने उसकी पत्नी को खुश करने के लिए इतना दिया कि क्या बताएं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। सब कुछ किससे आ रहा है? भगवान से। तो हमारे स्रोत कौन हुए? भगवान। सब कुछ तो वो दे रहे। आज हवा ले रहे, कौन दे रहा है? भगवान दे रहे। जल है, कौन दे रहा है? तो सब कुछ उनसे आ रहा है। तो हमारा शरीर किसके द्वारा बना है? पंचमहाभूत, उनके द्वारा ही बना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मुझे लकड़ी देता है, किसी को, आप किसी मिस्त्री को लकड़ी देते टेबल बनाने के लिए, उसने टेबल बना दी, तो आपने लकड़ी दी है, उसने टेबल बनाई, तो टेबल किसकी हुई? आपकी हुई, उसने कारीगरी का कुछ चार्ज मिलेगा। वैसे ही भगवान ने जल दिया है, भगवान ने हवा दी है, भगवान ने पानी दिया, सब कुछ भगवान ने दिया है, और उसे शरीर बना है, तो किसका शरीर हुआ? भगवान, भगवान का। जैसे आपने मिस्त्री को सीमेंट दिया, बालू दिया, गिट्टी दिया, और उसने घर बना दिया, तो घर किसका हुआ? मिस्त्री का नहीं, आपका। समझ रहे? तो ये जगत किसका है? भगवान का।
ये घर मान लीजिए आपका, अब किसी को आपने भाड़े पे लगा दिया तो भाड़ेदार का घर हो गया। तो हम लोग इस दुनिया में, इस शरीर में क्या है, भाड़ेदार के समान है। किसके समान है? जब भगवान आदेश करेंगे निकलना पड़ेगा। जिस दिन आदेश हो गया घर छोड़ के बाहर, इस जमीन में कोई आपका घर तो रही है इसी में। अगर हमारा शरीर है तो इसमें रह सकते हैं हम, अलाउड नहीं। जब जिस दिन बोला जाएगा हरे कृष्ण नोटिस, सफेद बाल हो गया नोटिस आ रहा है। यमराज जी चार तरह का नोटिस देते हैं, सफेद बाल कर देते हैं, फिर भी हम लोग नोटिस को फाड़ के फेंक देते हैं, काला बाल कर देते हैं। क्या रे यमराज जी के नोटिस देने से क्या हुआ, हम डाई करके ठीक कर लेगा, अरे कर दे ठीक हो जाएगा। तब यमराज जी दांत गिराने लगते, तो वो बूढ़ो क्या करते हैं, नकली दांत लगाते। नकली दांत लगाने से क्या होगा, समझ रहे हैं साहब, तुमको पता चलेगा। तो यमराज जी बार बार वार्निंग देते लेकिन हम लोग सुनते नहीं, तो एकाएक विकेट लास्ट में गिरा देते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा क्या करेगा, समझ जाएगा ये शरीर किसका है, भगवान का, मैं भाड़ेदार। तो आप भाड़े के घर में रहते तो आपको घर में अगर जो मालिक के अनुसार चलना पड़ेगा ना, कि अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये शरीर भगवान ने दिया है, उनके अनुकूल जब हम जिएंगे तो सुखी रहेंगे, और नहीं जिएंगे तो सुखी। और कैसे जीवन जीना चाहिए इसका और विस्तार में कहां पर दिया हुआ है, इतनी सुंदर ये ग्रंथ है। जब मैंने पढ़ा इसमें सब कुछ दिया हुआ है। भगवान 17वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में बता रहे कि कैसे वाणी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। किसी को पता है 17वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक? हाँ, भगवान वाणी की तपस्या बता रहे। भगवान बता रहे, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। भगवान बोल रहे अगर आपकी वाणी को मधुर बनाना है, मीठा बनाना है, सबके सामने अच्छा बनाना है, तो आपको क्या होना चाहिए, अनुद्वेगम करम वाक्य, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए जिससे दूसरों को उद्वेग नहीं। समझ रहे, कभी कभी साधु को उद्वेग पहुंचाना पड़ता है लोगों को सिखाने के, लेकिन भगवान गीता में क्या बता रहे हैं, अनुद्वेगम और सत्यम, क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना है। और क्या, प्रिय। कभी किसी को बोलने तो सोचना चाहिए उस चीज को कैसे बताएं जो उसको प्रिय लगे। सत्यम प्रियम और तीसरा हितम। कभी भी कुछ बोले सोचना जैसे दूसरा क्या लाभ हो, अगर दूसरों का लाभ नहीं होगा तो मत बोलो। सत्यम प्रियम हितम और वांग्मयम तपुच्यते। वाणी की तपस्या क्या है, आप शास्त्रों के अनुकूल वाक्य बोलो अपने मन से ना। तो पांच चीज भगवान बता रहे हैं वाणी की तपस्या। पहला अनुद्वेगम, दूसरों को उद्वेगित न कर। दूसरा सत्य, तीसरा प्रिय, चौथा दूसरों के हित के लिए बोलना है, और पांचवा शास्त्रों की वाणी को बोलना। अगर ये पांच चीज कोई सीख जाए उसकी वाणी अमृत हो जाए। उसकी वाणी क्या हो जाएगी, एक एक श्लोक में भगवान ने खजाना भर दिया इस ग्रंथ। एक एक श्लोक में क्या है, आज कोई सत्य बोलेगा तो धीरे धीरे करके उसको लोग मानने लगेंगे। आज हमारे पिताजी सत्य बोलते थे, थोड़ा बिजनेस करते ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते, और हमारे दूसरे रिलेशन में बड़े पापा थे, वो बस पैसा कमाते थे, 100 रुपये में साड़ी लाके 400-500 किसी पास उनको कैश कमाना है। लेकिन भगवान बोले सत्य बोलोगे तो फायदा रहे। तो मेरे पिता ज्यादा मुनाफा नहीं कमाते थे, जो थोड़ा बहुत लाया उसको 100 रुपये मिला है, 120-130 में रीजनेबल प्रॉफिट रख के रिटेल में बेचते। तो शुरू में उनको बहुत फायदा हुआ, मेरे भैया थे ताऊ जी के लड़के, वो खूब पैसा कमाते थे, झूठ झूठ बोल के, अरे अच्छा है वैसा है, समझ रहे, जो साड़ी का रंग उड़ता जाए उसको भी बेच देंगे, क्या रे अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर बिकने के बाद कौन जानता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका झूठ बोलने से कस्टमर शुरू में मिलता था, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर आता नहीं था, एक बार उसको खराब लगा फिर आएगा नहीं। लेकिन पिताजी ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन हमेशा क्या करते हैं, सत्य बोलेंगे भाई
तो धीरे धीरे कम आया, लेकिन जो आता था उनको व्यवहार अच्छा लगता था, प्रेम से बोलते थे, समझ रहे, उसे अच्छे से बात करना, तो धीरे धीरे लोग उन्हीं से लेगा, हजारों दुकान, लेकिन उनको उसी से पसंद था कि नहीं इनसे लेंगे, इनका बात करने का व्यवहार अच्छा है, तो धीरे धीरे उनके कस्टमर बढ़ गए। 10 साल बाद उनके कस्टमर इतने हो गए कि उनको और मेहनत ज्यादा, खुद ही आके वो लोग पैसा देकर अपना सब सामान, समझ रहे। तो जो सत्य के मार्ग में रहेगा उसकी अवश्य क्या होगी, विजय नहीं थोड़ी देर बाद होगी। झूठ के मार्ग में आप थोड़ी देर के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे, 100 रुपये का चीज 500 में बेच दीजिए, लेकिन आपको रोज नया कस्टमर खोजना पड़ेगा, नया बकरा को हलाल करना। अब नया नया बकरा हलाल होगा तो सबको पता चल जाएगा बकरा हलाल करता है, फेमस हो जाएगा, इसके दुकान में मत जाना, नहीं तो हलाल कर दिया जाए, तो फिर कितना कठिन हो जाता है। तो इसलिए भगवान इतनी सुंदर बातें बता रही है जो बचपन से बच्चों के खून में भर दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है इतने छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ बैठे, बच्चियां बैठी, ये संस्कार पहले गुरुकुल में दिया जाता हर एक बच्चे को, बचपन से ये बहुत अच्छा संस्कार डाल दिया जाता। 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक को भगवान बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं पीछे दोहराई, युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। ज्यादा कठिन नहीं है संस्कृत, बहुत आसान है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त मतलब बैलेंस, न ज्यादा न कम, ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं, ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मतलब आलसी आए हैं, यहाँ तक खा लीजिए कि बोले बेटा सब पानी ले आते हैं पापा, फिर पेट भी दुखेगा, मम्मी नींद नहीं आ रहा है, पुदीन हरा खा ले बेटा, तो कोई यहाँ तक खाएगा कि हमको खाना तो है ये छोड़ना नहीं, रोटी फ्रूटी सब खा के यहाँ तक नाक से निकल लेते। एक आदमी जग गया एक उत्सव में, गाजर का हलवा बट रहा था, खाते गया, बाल बाल लाइन में लग के खाने गया, खाते गया खाते गया खाते गया, यहाँ तक आ गया, क्यों बोला कोई बात नहीं अभी एक दोनों और ले सकते, यहाँ तक आ गया, क्यों बोला यहाँ तक आ गया, फिर भी बोला ट्राई कर लेते, फिर बेहोश हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ा, पेट काटा तो 1.5 किलो हलवा देते। लेकिन मार खाने से ज्ञान नहीं आता है तुम्हें, पेट कटा इतने कष्ट हुआ तो समझ जाना चाहिए, अगले साल फिर रथ यात्रा हुई दिल्ली, फिर रथ यात्रा में प्रसाद बटा, फिर आया हो और फिर लाइन में लगा, फिर खाया, बोले इस बार उतना नहीं खाई, चालू किया फिर यहां तक आ गया, फिर और नहीं, फिर एक और खा लेते, खाते खाते यहाँ तक आ गया, बोले एक और ही खा लेते, समझे, खाया फिर लड़ गया, फिर अस्पताल ले जाएगा, फिर काटा गया, फिर 1.5 किलो। तो पॉइंट है, भगवान गीता में बताते हैं भोग वासना को कंट्रोल करना पड़ा, तो भगवान बोलते हैं ज्यादा खाना भी खराब है, एकदम कम खाना भी युक्त। अब अलग अलग लोग के अलग युक्त हो सकता, भीम के लिए ज्यादा खाना जरूरी था, तो शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद के अनुसार आधा पेट खाना इतना खाना चाहिए, ऐसा नहीं यहां तक नहीं खाना, आधा पेट खा के थोड़ा पानी थोड़ा हवा रहती तो डाइजेशन पाचन अच्छा, आप यहाँ तक खाएंगे तो फिर पाचन शक्ति थोड़ी। तो भगवान गीता में बता रहे युक्त आहार, आहार कैसा होना चाहिए, और 17वें अध्याय में बता रहे कैसा खाना खाना है, भगवान बोलते हैं सात्विक सब्जियां खानी चाहिए जिसमें रस है, आजकल जो प्रिजर्वेटिव डाल के सामान आता है पूरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अगर आपको मिठाई खाने की इच्छा है तो भगवान गीता में बोलते हैं, भगवान गीता में कब बोलते हैं, तो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि कैसे आहार खाने चाहिए, 3 तरह के आहार, सात्विक राजसिक और तामसिक।
सात्विक आहार जैसे सब्जी हो गई, राइस, दाल, सब्जी, चपाती, सब क्या है सात्विक। और उसी में खूब ज्यादा मसाला कर दीजिए, खूब ज्यादा मसाला, मिर्ची एकदम अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, तो क्या रास्तिक हो जाते कि गुपचुप खाएंगे, क्या खाएंगे पुचका, दो दो मिर्च और डालो, मजा आ गया, अरे आँख से आंसू गिर रहा है तेरा, मजा आ गया। और फिर अगले दिन टॉयलेट सही से नहीं होता, लेकिन मजा आ गया। इसको बोलते हैं राजसिक, खाते समय भी कष्ट, निकालते समय भी कष्ट। एक बार तो हमारा लड़का एक तो स्टूडेंट 140 कुछ का खा, फिर 3 दिन तक दिखाई नहीं दिया, कैसे दिखाई देगा, समझ रहे। तो उसको बोलते राजसिक आहार। और तामसिक आहार मतलब सड़ा गला बजा कर चौमीन, पास्ता, सब चाय चटोरा सब बजा कर खाए। और 2 महीने का पैक किया 5 स्टार खीर, घर में बना खीर, खीर हमको अच्छा नहीं लगता, और 5 स्टार 4 महीने से बना हुआ कप चॉकलेट फॉकलेट, समझ रहे, किट कैट नाम है कैट, और उसको खाएंगे हम किट कैट, समझ रहे। तो ये सब क्या है, तामसिक आहार, सड़ा गला, ये सब मनुष्यों के खाने के लिए। खाना है खीर खाइए, रबड़ी खाइए, संदेश खाइए, रसगुल्ला खाइए, दूध से बने हुए सात्विक आहार, इसको कितना भी खाइए आपके दांत खराब नहीं होंगे। अब 10 रसगुल्ला खाएंगे तो ऐसा नहीं दांत में कीड़ा लग जाए, लेकिन 10 to 5 स्टार खाएंगे तो धीरे धीरे कीड़ा लग। तो आपको दही खाना, रबड़ी खाना है सात्विक आहार, लेकिन वही आप चॉकलेट खाएंगे सब क्या है। आजकल तो लड़का लोग मैदा खाता है कॉलेज, राइस दाल सब्जी नहीं खाए, क्या खाएगा, सुबह 4 बजे खाएगा, रात में पढ़ेगा और फिर 4 बजे जाकर मैगी भाजा खाएगा, तब फिर क्या होता है, जब शरीर जब गिरने लगता है तब उसका प्रॉब्लम। तो आज बच्चों को हम नहीं सिखा रहे, एक लड़का पिज्जा खाया, दिल्ली में काम करता, पैसा कमाने लगा, पैसा कहा, बच्चों को केवल ज्ञान दे रहे कैसे पैसा कमाना, बस आज क्या ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन कैसे जीना नहीं सिखा रहे। 7,000 की जॉब कर रहा था, कहां पर, दिल्ली। एक स्टूडेंट कितने की जॉब कर रहा है, 60,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन जानवर का जानवर क्या खा रहा है, राइस दाल सब्जी खाएगा नहीं, सैटरडे का ऑर्डर देगा पिज्जा का, इतना बड़ा पिज्जा, 1,500 का पिज्जा, कितना का पिज्जा, 1,500 रुपए का पिज्जा, और उसको यहां तक खाएगा सैटरडे रात को, बाकी समय तो छुट्टी नहीं होती है, थोड़ा जो भी खाता खाता क्या, रास्ते में राइस दाल सब्जी तो खाता नहीं, पकोड़ा खा लिया, दूठो कचौड़ा खा लिया, सब कचड़ा ही है, कचौड़ी कचौड़ी सब कचड़ा खाते रहता है, मैदा फैला, और फिर क्या होता है सैटरडे को पिज्जा यहां तक, और फिर सुता है संडे पूरा दिन भर सोता है, और मंडे को फिर ऑफिस जाता है। 6 महीना ऐसा किया, फिर उसको पाइंस हो गया, क्या हो गया, पाइंस, मतलब उसका फिर टॉयलेट खून भरने लगा, क्योंकि जितनी इंटेस्टाइन भी फट गई। तो आप भगवान का नियम पालन नहीं करेंगे तो कष्ट अनिवार्य, लेकिन दुख की बात है कष्ट तुरंत नहीं आते। जैसे अगर मान ली मैंने बिजली का बल्ब चालू कर दिया तो उसी समय बिजली बिल आ जाएगा क्या, 3 महीने बाद आता है, तो बोलेगा अरे पापा बिजली का बिल कहाँ आ रहा है, तुम तो बल्ब चालू कर रहे, कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है तेरे को दिखाई, आ तो रहा है तेरे को दिखाई। वैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते, सोचते कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है। हमारा एक और प्रोग्राम है, इसीलिए थोड़ी देर में हमको जाना पड़ेगा, तो मैं आप लोग से ये विनती करूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, इस गीता के ज्ञान को, बहुत ही सुंदर एक ज्ञान है, इसमें भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक,
जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, बढ़िया से पढ़ते थे, घंटों घंटों पढ़ते थे। एक बार नहीं समझ में आता, फिजिक्स की क्लास थी, दस दस बार पढ़ते थे, समझना है समझना है, और बढ़िया समझते तो फिर बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो वैसे मनुष्य के जीवन का एक क्या मैनुअल है, इसको हम लोग सही से नहीं पढ़ते तो जीवन में समस्या आती है, तो पता नहीं क्या करें। आए दिन मेरे पास लोग आते रहते, मुझे मेरा बच्चा नहीं संभाल रहा है, बड़े बड़े लोग परेशान रहते, मुझे सुसाइड करना चाहते, क्या हो गया भाई तुम्हारे जीवन, कारण क्या है? गीता, गीता को ऐसे पढ़ना चाहिए घोल के पी जाना चाहिए, कैसे? लेकिन आज एक बार भी हम गीता नहीं पढ़ते। मुझे बहुत सुखी हुई कल अर्णव पूरा गीता 16 अध्याय सुनाया, बहुत अच्छा लगा, उसको भी स्पेशल गिफ्ट भेजेंगे, तो बहुत अच्छा लगा हमें कि यहाँ पर बच्चों को सुंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत गर्व की बात कि बच्चे के मुख में इतनी सुंदर तरीके से पूरा, हाँ लेकिन और थोड़ा उसको मीनिंग भी समझाना पड़ेगा, मीनिंग उसको नहीं आता, लेकिन ठीक है, इस उम्र में एटलीस्ट बोलना सीख रहा है, भी बहुत बढ़िया, लेकिन उसको हम लोग को और मीनिंग भी सिखाना पड़ेगा, और भी उसको आगे ले जाना चाहिए सब बच्चों को। बहुत अच्छा लगा हमें देखकर, लेकिन आप लोग से यही विनती है कि आप लोग सब ये गीता को सही से एटलीस्ट पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का भारत का पूरा ऑलमोस्ट भारत नष्ट हो चुका है, और अगर हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे तो पूरा नष्ट हो जाए। 90% तो हो गया है, और जो 10% बचा वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें अगर भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, तो गीता को घोल के पी जाए, नहीं तो फिर आपको भगवान के अंदर रुचि नहीं आने वाली। आप कितना भी प्रयास करेंगे इतना आसान नहीं भगवान को प्राप्त, फिर यही 84 का चक्कर लगेगा, यही दुनिया में कष्ट मिलेगा, रिश्तों में कष्ट मिलेगा, जिस बच्चों के लिए अपना जीवन दे दें वही आपके अगेंस्ट हो जाएगा, और बहुत सारे झमेला। तो इसीलिए गीता को अच्छे से पढ़ना, और हमारे समक्ष अशोक प्रभु हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गीता को पढ़ा है, वो स्कूल में प्रिंसिपल थे महुदा में DAV के, बहुत अच्छे स्कूल में वहाँ उन्होंने सब बच्चों को गीता पढ़ाई, प्रिंसिपल थे और सब बच्चों को भगवान की भक्ति में जोड़े थे, बहुत सारे टीचर्स को भी उन्होंने जोड़ा, अभी रिटायर्ड लेके वो जगह जगह गीता का प्रचार कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो, उनकी उम्र काफ़ी हो गई लेकिन उम्र में होके भी वो प्रचार करने के लिए उत्सुक हैं, अपने भी सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखाने का प्रयास, यही एक भक्त का अच्छा गुण है कि वो सीखे भी और कायम, तो बहुत सुंदर भक्ति है, और तो उनको भी हम बोलेंगे कि वो दो शब्द कुछ बताएं। आप लोग सुनना चाहते तो बोलिए हरि बोल, हरि बोल। ये रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग अवश्य जिनके पास गीता नहीं है गीता लें, समझ रहे हैं, बहुत सारी गीता हमने पढ़ी लेकिन इस्कॉन की जो प्रभुपाद की गीता है इसको पढ़ के मेरे जीवन बहुत बदलाव आया, क्योंकि इतने सरल तरीके से प्रभुपाद ने समझा दिया। तो आज तो मैं यही आप लोगों को सिखाऊंगा कि सबको एक बार एटलीस्ट, अभी गीता जयंती गई है 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग सब एक साल में एटलीस्ट ये ग्रंथ तो सही से पढ़ें। एक साल लगेगा, 2 पेज भी पढ़ेंगे, 700 श्लोक हैं तो 1 साल में कंप्लीट। कितने लोगों को लगता है गीता पढ़नी थी? बोले हरि बोल, किसी को लगता नहीं, बोले बेकार है समय की बात। तो जिनके पास नहीं है हमारे से ले सकते हैं, ऐसे तो गीता का 200 रुपया रेट है, लेकिन अभी हम लोग बहुत लोग सहयोग करने के लिए कुछ सहयोग राशि देते हैं, ताकि हम लोगों को कम रेट में दे सके, ताकि बहुत लोग, आप लोग भी सहयोग राशि दे सकते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अभी 100 रुपये भी दे रहे हैं, और इसके साथ हम लोग कैलेंडर भी दे रहे हैं भगवान का हरे कृष्ण। अभी हम अशोक से विनती कर रहे हैं गीता के बारे में बताएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ओम गुरुवे नमः। सब मेरे साथ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आपके गांव से हैं ये, मतलब परशुराम, परशुरामपुर आपके एरिया के हैं,
मैक्सिमम यहाँ के लोग, यहाँ पहले पहले आज तो नहीं लेकिन पहले यहाँ से भी लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। जी जी तो आज तो आवाज साथ नहीं दे रही है। कल एक प्रश्न था अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म क्या है, तो ये तो समय लेगा लेकिन मैं आसानी से कम समय में कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, हम देखते हैं क्या घी दिखाई देता है नहीं, लेकिन दूध में है, इसे तो इनकार नहीं करेंगे कि दूध में घी नहीं है, इनकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे, दूध में घी है। अच्छा, एक छोटे से बीज में, बीज में बहुत बड़ा वृक्ष है, क्या हम इसे इनकार करेंगे? करेंगे क्या? वृक्ष है ना, छोटे से बीज में बरगद का वृक्ष देखिए, बाप रे बाप, तो कितना विशाल वृक्ष है, कल्पना नहीं कर सकते। वैसे ही इस शरीर के अंदर कुछ दैवीय गुण है, कुछ चिन्मय वस्तु है, कुछ उसके गुण है, दैवीय गुण है इस शरीर के अंदर, वो गुण किस वस्तु के चलते हैं इस पर भी हम आएंगे। तो उन्हीं गुणों को जानने का रास्ता जो है, जो मार्ग है, इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जो हमारे अंदर दिव्य गुण है उनको जानने का ये जो मार्ग है उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। अब दिव्य गुण किसके चलते हैं? ये इस शरीर के वो दिव्य गुण है क्या, या इस शरीर में कुछ और है जिसके वो दिव्य गुण है? कि हम शरीर हैं क्या? हम शरीर हैं क्या? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर चले भी जाता है, मेरा नाम अशोक है, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सब लोग, गांव के लोग आएंगे, क्या बोलेंगे, अशोक चले गए? अरे अशोक तो पड़े हुए हैं अभी, आप कैसे बोल रहे हैं चले गए? अगर चले गए तो ये पर जो पड़ा है वो कौन है? ना ना ना, ये अशोक नहीं, अशोक क्या मतलब कि हम शरीर नहीं है, ठीक है ना? इसके अंदर कोई तत्व है जो चले गया, तो हम क्या है? हम आत्मा है, ठीक है ना? हम जो है अलग अलग शरीर धारण करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी सुअर, कभी मनुष्य बने, कभी देवता बने, कभी इंद्र बने, कभी ब्रह्मा बने, क्या नहीं बने इस शरीर से? हम अपने कर्मों के हिसाब से इंद्र भी बने, ब्रह्मा भी बने और कुकर सुकर भी बने, सब बन रहे हैं। तो एक दिव्य वस्तु है हमारे अंदर जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा की अनुभूति हम कर सकें, हम करने का प्रयास करते हैं, जिस किसी को भी कि हम शरीर नहीं है, हमारे द्वारा किए गए कार्य शारीरिक स्तर पे है या शरीर कर रहा है। देखिए, हम शरीर नहीं है तो हमारे जो है ना पूरा का पूरा आचरण बदल जाएगा। जैसे आपको महसूस हुआ कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो इस शरीर के लिए हम गलत काम क्यों करें, हैं? पाप कर्म क्यों करें, अधर्म क्यों करें इस शरीर के लिए? ये तो शरीर हम ही नहीं, इस शरीर को हमें एक दिन छोड़ के जाना है। तो जो कर्म है, हम कर्मों को लेके आते हैं और कर्मों के साथ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, ना, पूर्व के कर्मों को लेके आते हैं और कर्मों को छोड़ के भी जाते हैं। अब एक प्रभु जी ने सवाल किया था कि आप जो हम लोग भजन किए क्यों किए, हम तो ये प्रश्न करेंगे, आप कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं, ये बताइए, आप कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, आनंद के लिए। आप ही नहीं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, जानवर, वृक्ष, जितने भी पता नहीं 84 लाख योनियां बताई जाती है, तो सब के जितने योनियां है सबों का कर्म जो है किसके होता है? आनंद के लिए। आप पूछे कि आनंद के लिए क्यों होता है भाई, आनंद के लिए क्यों होता है? तो आनंद के लिए इसलिए होता है कि हम सब जीव
चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सब के सब आनंद के ही अंश है, आनंद के ही संतान है। किसके संतान है? आनंद के ही संतान है। आनंद भगवान को वेदों में एक नाम दिया गया है, आनंद, ठीक है ना, प्रायवाची शब्द है आनंद, ठीक है। अब हम हरे कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, अब हरे हरे कृष्ण को जान जाएंगे तब तो आप हरे कृष्ण को आत्मसात कर लेंगे। बड़ा सुंदर शब्द है, ये आपको पूछना चाहिए कि हमारे हरे हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे क्यों बोलते हैं, क्यों माला जपने के लिए बोला जाता है। देखिए समय तो मेरे पास कम है, तो मैंने देख लिया पूजा में क्या लिखा हुआ है, फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कृष्ण कौन है, कृष्ण कर सती सर्व इति कृष्ण, जो सृष्टि के कण कण को अपने तरफ आकर्षित कर ले, जो सारे जीवों को अपने तरफ आकर्षित कर ले, जल चेतन चल अचल सबको आकर्षित कर ले, वो श्री कृष्ण है। तो सर्वाकर्षक कृष्ण के चित्त को हरने वाला या हरने वाली, हरने वाला जो हरा है, सर्वाकर्षक सर्वा सब सबको आकर्षित करने वाला है श्री कृष्ण। तो सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण के भी चित्त को हरने वाली उनकी आराधनी शक्ति कौन है, हरा, कौन है हरा, उसको क्या बोलते हैं, हरा हरा, समझ गए, हरा हरा। अब हरा का जो है ना संबोधन कारक में क्या हो जाएगा, हरे, क्या हो जाएगा, हरे। तो जैसे हम बोलते हैं हे हरे कृष्ण, मतलब ये हरा कौन है, सारे संसार को सुख देते हैं, सारे संसार को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, उनके हृदय को उनके चित्त को आकर्षित करने वाली ये जो राधिका है, सारे संसार का अनंत संसार का सुख श्री कृष्ण में है, लेकिन श्री कृष्ण का सुख किसमें है, उस राधे में है, किसमें है, उस राधे में है। सारे संसार का सुख आनंद कहां है, श्री कृष्ण, और कृष्ण का आनंद कहां है, राधे में। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण, हे राधे कृष्ण, हे राधे कृष्ण। बिना राधे का कृष्ण का नाम लेना जो है ना, आनंद नहीं आता। दोनों का अगर साथ में आनंद लें, भगवान श्री कृष्ण उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए राधा के भाव में, राधा के शरीर में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे पास आए थे। तो आनंद जो है हमारा मूल मूल प्रवृत्ति है, हम आनंद जो कि भगवान के अंश है, इसलिए हमें आनंद चाहिए चाहिए, सारे जीवों को चाहिए। सारा जीव इसलिए कर्म कर रहा है, कीट पतंग भी काम कर, पशु पक्षी भी काम कर रहा है, पशु पक्षियां भी बगैर काम किए उनको कुछ खाना नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए काम कर रहा है वो कि उसको जो है ना सुख मिले, आनंद मिले। अब आनंद जो है, आप ध्यान दीजिएगा, वो आनंद आनंद नहीं है जो अभी तो उत्पन्न हुई और थोड़ी देर में खत्म हो गई, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, अभी आनंद खत्म हुई, शुरू हुई आनंद और वो खत्म हो गई, वो आनंद नहीं है। आनंद जो है अनंत मात्रा का है, आनंद आनंद जो है वो हमेशा बढ़ते रहता है, समझ गए। तो वो आनंद जो है वो हमारे आत्मा की आनंद है, आत्मा की आनंद है। देखिए ये शरीर का आनंद जो है ना वो अलग है, आत्मा का आनंद अलग है। हम जो भोजन कर रहे हैं संसार में, वो भोजन किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसको क्या हम भोजन प्रदान कर रहे हैं, या उसको हमने निष्क्रिय बना दिया है, उसको हम भुला दिए हैं, हम भूल गए कि हम आत्मा है, या आत्मा जैसी कोई चीज हमारे अंदर है, हम अपने आप को जो है ना एकदम क्या बोलेंगे, कंप्लीट कंप्लीट हम अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा को कोई लवलेस हमको महसूस नहीं होता। इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमने आत्मा, उस आत्मा को निष्क्रिय बना दिया है, उस आत्मा की हमने सुनना बंद कर दिया है, उस आत्मा को हमने भोजन देना बंद कर दिया है, उस आत्मा को। अब बड़ा सुंदर, आपने 25 लाख की गाड़ी खरीदी,
और उस पे ऐसे व्यक्ति को जो है ना जो 6 महीने से खाना नहीं खाया हो, 5-6 दिन से खाना नहीं खाया हो, उसको जो है ना शरीर में जान नहीं हो, उसको बोलो कि ले चलो भाई पटना ले चलो, जरा वहां के PMCH में ले चलो पटना। आपको ऐसे ड्राइवर को बिठा दीजिए जिसके शरीर में बल ही नहीं है, जो स्टेयरिंग भी नहीं पकड़ सकता, और उससे बोले कि अब PMCS ले चलिए, तो क्या करेगा? जितने 5-6 लोग को ले जाएगा, पहले ही PMCS से पहले ही काम तमाम होगा, होगा कि नहीं भाई? आपके अंदर जो आत्मा है, आपको आपने उसको महसूस नहीं किया, इस शरीर रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है? ये आत्मा के चलते चलायमान है, आत्मा है ना, आत्मा है तो शरीर है, नहीं तो ये मृत है। तो इस आत्मा को उसने शक्ति नहीं दी, शक्ति प्रदान नहीं की। अब इस आत्मा का भोजन क्या है? इसका वही जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, ये उसका भोजन है। जितना आप इस मंत्र का जाप करेंगे आपके अंदर से, अब देखिए प्रभु जी बता रहे थे 2 दिन पहले की बात, मैंने सुना तो मेरे को जज किया, किसी भक्त का ऐसे ही क्वेश्चन था कि भाई जब जब हम भक्ति करते हैं, ये आपका भी प्रश्न था, एक प्रश्न था आप लोगों में से, जब जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन में कोई विचार आते हैं, बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, ये बताइए। आप अपने रूम की जब सफाई करते हैं, रूम की जब सफाई करते हैं, झाड़ू जब लगाते हैं, तो जैसे आपने झाड़ू लगाया तो धूल कण तो उड़े ना, वो जो आप हमारे हृदय में बहुत पाप कर्म है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद, वासना, वासना की सब कुछ है, खचा कच भरा हुआ है, तरह से भी जगह खाली नहीं है, हमने झाड़ू लगाया, कचरा से रूम भरा हुआ है, झाड़ू लगाएंगे तो कचरा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? जब कचरा उड़ेगा तो जब उन विकारों को आप निकाल रहे हैं और उन विकारों को आप ये हरे नाम संकीर्तन से झाड़ू का काम कर रहा है, आप उसको साफ कर रहे हैं, तो उड़ेगा कि नहीं कचरा? कुछ तो कचरा उड़ेगा, कुछ तो बाहर निकालेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप बरसों तक जो है ना झाड़ू लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा कि कचरा का नामो निशान नहीं होगा। अरे कितना उड़ेगा कचरा भाई, कब तक उड़ेगा? एक दिन तो इसको खत्म होना है, रोज थोड़ा बचेगा, लेकिन रोज झाड़ू लगाएंगे, रोज झाड़ू लगाएंगे, यही झाड़ू लगाना हुआ। ये जब जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो भगवान के नाम में क्या है, उनकी सारी शक्तियां हैं, उनके सारे ऐश्वर्य हैं, उसके साथ वो बैठे हुए हैं, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली उनका नाम है। जब उनका नाम लेते हैं तो ये उनका नाम लेना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है, धर्म है, ये हमारा स्वभाव है उनका नाम लेना। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं। आज हमें पता नहीं चल रहा है कि उनके अंश हैं, लेकिन वाकई में उनके अंश हैं। ये आत्मा हमारी जानती है कि हम उनके अंश हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, हम अपने आप को अगर आत्मा मानते ना तो महसूस होता हमें, लेकिन मान तो लिया हमने शरीर। बात समझ में आ रही है? अगर हम अपने आप को आत्मा मानते तो हम परमात्मा की ही बात सोचते, उसके सिवा हम और कुछ नहीं सोचते, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता। ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं, हम शारीरिक स्तर पे हैं इसलिए उठ रहे हैं, और शारीरिक स्तर पे इसलिए हैं क्योंकि हमने कृष्ण को विस्मृत कर दिया है। तो बार बार जब नाम जपेंगे, बार बार जब उसका ख्याल आएगा, उतने पल तक जब तक आप नाम जप कर रहे हैं तब तक आप का जो है ना मस्तिष्क शुद्ध अवस्था में है। याद रखिएगा, शरीर से नाम मत लीजिएगा, शरीर से नाम लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नाम लेना है तो किससे ले, नाम लेना है तो मन से नाम ले, समझ गए ना? तो अगर शरीर से मुंह से नाम लेंगे, हम तो यही बोलते हैं मुंह से नाम लेंगे, मन मुंह से देखिए मुंह से नाम ले रहा है, अब मन कहीं वहां पे है, अरे मेरे खेत में कोई जानवर तो नहीं घुस गया रे भाई, आज मेरा इतना का नुकसान हो गया, बाप रे बाप। लेकिन इधर हम हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण, और उधर जो है ना मिल जाए तो आज पैर काट देंगे, आज तो छोड़ेंगे नहीं, अब आगे को हमको गाली देता है, मेरा बदमाश को बदनाम करता है, आज नहीं छोड़ने वाले उसको, और इधर क्या कर रहे हैं हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? तो मन जहां होता है, आप 1000 कत्ल कर दें, 1000 लोगों का मर्डर कर दें, आपको पाप नहीं लगेगा। कब? जब मन आपका भगवान में हो। आपके शरीर के कर्म को भगवान नोट नहीं करते, आपके मन के कर्म को भगवान नोट करते हैं। आपकी प्रार्थना इसलिए स्वीकार नहीं होती, आप शरीर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे
अरे पागल जैसे, अरे तो सोचो कि हम जो नाम ले रहे हैं वो अलौकिक नाम है, वो दिव्य नाम है, उसमें भगवान बैठे हैं, उनमें उनकी शक्तियां हैं, उनका ऐश्वर्य है, वो उनसे मधुर कोई चीज नहीं हो सकता। उस मधुरता को आप महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि इतने सालों से आपने इसको जो है ना इसको डंप कर दिया है। तो जा भाई, अरे आत्मा की आवाज सुनने में हमको डर लगती है, जब आत्मा बोलती है कि गलत है तो तुम जाओ भागो यहां से, हम गलत कर रहे हैं, करने दो। धीरे 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 आत्मा मित्र प्राय हो जाती है। तो उस आत्मा को जगाइए, आपने आत्मा को मार दिया। और उसके बाद आप सवाल करते हैं आत्मा से संबंधित, हरे कृष्णा। तो चलिए चलिए, अच्छा हुआ ये मुझे रोक रहा है टाइम जो है ना, टाइम बाउंड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है प्रभु जी के आने का एक ही उद्देश्य है कि आपका कल्याण, और आपका कल्याण जो है गुरु के चरणों में अपनी सेवा देने से है और गुरु के बताए मार्ग पर चलने से है। गुरु ने क्या बताया, आप भगवान का नाम जप किया करें, आप गीता का अध्ययन करें। गीता का अध्ययन करेंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो आप कौन है आपको पता चलेगा, और दूसरा जीवन में ऐसा कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई शंका नहीं होगी जिसका हल इस किताब में नहीं हो। तो आप कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, कभी आप भटकेंगे नहीं। इसलिए आप भगवान का नाम जप किया करें। आज नहीं महसूस हो रहा है कि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर दैवीय गुण है, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, आज महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन होगा। तो बार 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 नाम लीजिए, और नाम लेते हुए भले आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहाँ है, भगवान में है। लेकिन होना ये चाहिए, कुछ भी करें मन भगवान में रहे। लेकिन आप क्या करते हैं, आपका मन संसार में है, ठीक है ना, मन कहाँ, संसार में है, और शरीर से भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, इसलिए फायदा नहीं होता। तो कुछ दिनों तक मन से भगवान का नाम लेके देखें, फायदा नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा नाम लेना। लेकिन आपको आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो तप करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि भाई हमने 6 महीना या 6 साल हमने जप किया और हमें चमत्कारी कोई शक्ति नहीं मिली। भगवान के नाम से चमत्कारी शक्ति नहीं मिलती है, कभी आप चमत्कार करने के लायक नहीं रहेंगे। और जिस दिन अगर आपने चमत्कार दिखा दिया उसी दिन सारी शक्ति आपकी, मतलब आप कुपात्र हैं, पात्र नहीं हैं आप। भगवान अपनी शक्तियाँ उसी को देता है, उसी पात्रता उसी पात्र को देता है जो जिसके नज़र में सारे जीव जो है ना एक समान हो। सबके लिए वो अपनी संपत्ति अपना ज्ञान बांटता रहता है, उसको ज्ञान मिलता है, उसको धन मिलता है, प्रकृति समझती है कौन पात्र है कौन कुपात्र है, समझ गए। तो सब कोई गुरु नहीं बन सकता। तो भगवान का नाम आप जप करते रहें, और जीवन में जितने जो भी आपको आपके लक्ष्य हो उसको आप पूरा करते रहें, धर्म के मार्ग पर चलते हुए पूरा करते रहें, भगवान के नाम लेते हुए पूरा करते रहें। अगर कोई चीज़ें बीच में नहीं, आपको लक्ष्य आपका हासिल नहीं हो पा रहा है तो ये मान के चलें, अगर आप सत्कर्म पे हैं, भगवान के सहारे हैं, भगवान को समर्पित हैं, तो ये मान के चलें कि आप भगवान जो है ना ये ना देखे आपको, आपके लिए पूरा कुछ और अच्छा सोच रखा है। भाई अपना जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, क्लिनिकल एग्जाम दिए थे तेज और फेल कर गए थे, और उनको तो भाई मिसाइल मैन बनना था, अब इंडिया का प्रेसिडेंट बनना था, तो कलाम कैसे भगवान बनने देते। सोचिए ना, क्लिनिकल टेस्ट क्लिनिकल एग्जाम में फेल कर गए, तो क्या भगवान ने उनके साथ अन्याय किया कि ना किया, क्या किया? अगर क्लिनिकल एग्जाम में पास कर गए होते या फंस गए होते उस ऑफिस में तो क्या हाल होता उनका, सत्यानाश होता। तो भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं, भगवान पे भरोसा रखना मत छोड़िए, विश्वास रखना मत छोड़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबको अच्छा लगा तो बोलिए हरि बोल। और ये बहुत अच्छे तरीके से बताया कैसे हमें बहुत सुंदर उदाहरण से कैसे हम हृदय की सफाई करते हैं गंदगी तो, लेकिन धीरे धीरे गंदगी खत्म हो जाएगी। हरी वो हरी वो। तो हमें भगवान का नाम जप करेंगे, अभी हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो सब लोग एक माला जप करेंगे। तो अभी हमने थ्योरी पढ़ा, अभी हम लोग प्रैक्टिकल में, समझ रहे हैं।
तो भगवान का नाम इस उंगली से नहीं पकड़ते, इस उंगली से दूसरों का दोष। तो सबको माला मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी तो हाथ पे कर सकते, समझ रहे? तो हमारे बहुत ही माला नहीं है, लेकिन नीतीश को हेल्प इन गिविंग द माला। तो ऐसे करके आपको इस गोटी से नहीं पकड़ना है। इसमें 108 गोटी, कितनी गोटियां हैं? 108 क्यों है? 108 ही क्यों है? क्योंकि 108 उपनिषद है। कितने हैं? और 108 उपनिषदों का सार है भगवान का नाम। जो भी हमने अभी 2 घंटा कथा की उसका सार है भगवान का नाम लेना, ठीक है? तो अभी हम लोग इस उंगली से नहीं पकड़ेंगे, सब लोग सीधे बैठ जाए, ठीक है? गहरी सांस ले। अभी हम भगवान को एकदम ध्यान पूर्वक पुकारना, जिस प्रकार से बच्चा अपनी माँ को पुकारता है वैसे हमें भी भगवान को तीव्र भाव से एकदम। तो 3 प्रकार के जप होते हैं। एक को बोलते हैं उपांशु जप, जो मन ही मन में करते हैं। दूसरा होता है जप हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और तीसरा होता है कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हरि नाम है, एक उपांशु मन में, एक जोर जोर से बोल के, और एक कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने से हमारा भी उद्धार होता है, आसपास के लोग का भी। और कलयुग के लिए बोला है उपांशु जप नहीं करना है, क्योंकि उपांशु जो आप करेंगे तो मन इतना चंचल होता है, अब अरे मन कहीं भाग जाए, तो थोड़ा जोर जोर से जप करना है, ठीक है? बिल्कुल। तो हमारे पास सबके लिए माला नहीं है, अभी कुछ लोग ही माला कर पाएंगे, बाकी हाँ ओके। और माला है तो इस उंगली से नहीं पकड़ना है, ठीक है? ऐसे करके पकड़ लीजिए, इसे सीधे बैठ जाइए और हर एक गोटी पे पूरा 16 शब्दों का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, समझ रहे? फर्स्ट दे शुड गिव इन फ्रंट, ठीक है? सब लोग बैठ जाओ आराम से, ठीक है? तो 16 शब्दों का पूरा मंत्र कोरस में करेंगे हम। ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्णा हरे राम साथ साथ जोर जोर से जप करते हुए हम लोग करेंगे। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उससे पहले वैदिक मंत्र था हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ब्राह्मणों ने बोला कि अरे आप सबको वैदिक मंत्र दे रहे हैं। महापुर ने बोला ये तो तारक मंत्र है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं सुन रहे। तो महापुर ने बोला ठीक है मैं नया मंत्र देता हूँ। उन्होंने इसी को उलट दिया। इसलिए मंत्र जब करने पहले हम लोग श्री चैतन्य महापुर का एक मंत्र करते, मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सीधे बैठे सब लोग, अगर ज्यादा ऐसे करेंगे तो नींद आने लगेगी, ठीक है? कमर से, तो इसलिए सीधे बैठ जाए, ठीक है? और इस प्रकार से माला को पकड़ ले हाथ में, ठीक है? अगर जमीन में न टच हो ऐसे करके पकड़ सकते हैं, ठीक है? इस उंगली से नहीं पकड़ते, इस उंगली दूसरों का दोष। और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान मेरे दोष हटाई, हमको दूसरों को दोष देख रही जरूरत, हमारे अंदर ही खूब इतने दोष है कि वही हट जाए तो जीवन सफल हो, ठीक है? तो कलयुग का तारक मंत्र यह ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया। किसने किसको बताया? नारद। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। नारद मुनि ने पूछा कलयुग में इतना मन पागल हो जाएगा लोगों का, छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स होगा, झगड़ा होगा, माँ बाप का बच्चा नहीं सुनेगा, मतलब बहुत ही झमेला होगा कलयुग में। तो बिल्कुल कलयुग के लिए क्या मंत्र है तारक मंत्र? उन्होंने बोला इति षोडश का नाम नाम कली कलमस नाशन। यह 16 शब्दों का मंत्र दे रहा हूँ नारद बेटा, इससे कली का कलमस नाश, ठीक है? सबको माला मिल गई? किसी को माला नहीं मिली? नहीं मिली, खत्म हो गया माला, ठीक है? एक माला दे, इसको चाहिए तो
ठीक है, अभी हाथ पे भी कर सकते हैं जिनके पास माला नहीं, हाथ पे करेंगे साथ में कोरस पे, ठीक है। सीधे हाथ से पकड़ना है, सीधे हाथ से अगर चोट है तो अलग बात है, नहीं तो सीधे हाथ से पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि चोट है तो अलग बात, ठीक है। अब हर गोटी पे हमें क्या करना है, ये अलग होना चाहिए, हाँ। पीछे कुछ माताओं को नहीं मिले उनको माला दे दीजिए, किनको माता ने माला नहीं मिली आपके पीछे माला है उन बच्चियों को दे दीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए थोड़ा, जिनको माला नहीं मिली उनको दे दीजिए, ठीक है। आप लोग सब तीन बार गहरी सांस लें, मन को शांत करें, प्राणायाम करते हम लोग, इसे क्या होता मन भगवान में ध्यान लगाने के 8 स्तर है, कितने स्तर है, 8 स्टेज है। पहला स्टेज को बोलते हैं यम, क्या बोलते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर जाके ध्यान आता है। अभी हम लोग ध्यान लगाए, इससे पहले 5 स्तर करने होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो यम नियम 1-2 साल लगते हैं, मतलब धीरे धीरे मन को शांत करो। हम तो डायरेक्ट आपको नाम जब करवा रहे हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है कि आपको धीरे धीरे 2 साल में मन शांत करवाए करवाए, लेकिन अगर सही से नाम जप का लाभ उठाना है, हरे कृष्णा, सही से नाम जप का लाभ उठाना है तो मन को शांत भी करना। तो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं 4 साल सिस्टमेटिकली गुरुकुल सब में, तो धीरे धीरे देते हैं, लेकिन आज तो मैं उतना समय नहीं आपको कि 4 साल की ट्रेनिंग एक दिन में दूं, आप लोग खुद से गीता पढ़िएगा, लेकिन इसके जप को ज्यादा फायदा उठाना है तो मन को शांत करना पड़ेगा। और मन को शांत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। पहला गलत काम है नशा, नशा करेंगे तो जप में मन नहीं, तो इसीलिए जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको नशे को धीरे धीरे छोड़ देना, विशेष करके दारू पीना आपके शरीर के लिए भी हानिकारक है, आपके परिवार के लिए भी हानिकारक है और आपकी आध्यात्मिकता के लिए भी हानिकारक, इसलिए नशा नहीं, तो माला में जब में रुचि नहीं आए। दूसरा है मांस को नहीं खाना चाहिए, मांस खाना जानवर की हत्या है, उससे भी आपका मन चंचल हो जाता है, दूसरों की हत्या करने, किसी का मर्डर कर देंगे शांति से बैठ पाएंगे फिर आप, अगर किसी का मर्डर करके आएंगे तो आप घर में शांति से नींद आएंगे, हमेशा डर रहेगा, इसलिए शास्त्र बोलता है मांस नहीं। ये करेंगे तो आप सात्विक आहार खाएंगे तो मन शांत। तो क्या क्या बताया मैंने, नशा नहीं करना है, मांस नहीं, और अपनी पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ के और किसी के साथ इधर उधर संग जबरदस्ती का नहीं। अगर कोई अपनी स्त्री को छोड़ के इधर उधर कोई स्त्री मन लगा रहा है तो फिर वो जप नहीं कर सकता, उसका मन बहुत चंचल हो जाएगा, या कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के और किसी में मन लगा रही तो भी ये भी एक महापाप है, इसको भी छोड़ना। और चौथा है जुआ नहीं खेलना, जुआ खेल भी बनना तो पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, इधर 1,00,000 रुपये कमा लूंगा, वैसा भी उचित। तो बहुत ट्रेनिंग लगती है, उसको समझाते हैं हम लोग क्लासेस में धीरे धीरे, अभी तो मैं आप गीता पढ़ेंगे समझेंगे। तो यम हो गया, नियम हो गया, नियम में क्या होगा, सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए बता रहा हूँ मैं, सुबह जो है रात को 9 से 10:30 तक के बीच में सो जाना चाहिए, कितने बीच में सो जाना चाहिए, 9 से 10, 10:30 के बीच में, वैदिक सभ्यता में तो 8 बजे सो जाते, लेकिन आजकल ऐसा परिवेश नहीं है, आज थोड़ी लेट हो जाती है लोग सोने में, लेकिन 9 से 10:30 के बीच में सो जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और सुबह करीबन 3 से 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, समझ रहे, मन बहुत शांत रहता, कोई फ़ोन भी नहीं करेगा आपको, कोई मिलने नहीं आएगा, भगवान से मिलने का अच्छा समय है। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप कभी भी कर सकते, भगवान का काम आप कभी भी, नाम रात को भी, अब कोई को समय नहीं है तो रात को भी कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, दोपहर में भी कर सकता है, कभी भी कर, लेकिन ज़्यादा अनुकूल क्या है, तो ये नियम है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, आधा पेट खाना, ऐसा नहीं कि यहाँ तक खाना, यहाँ तक खाएंगे तो भजन खा के देखिए यहाँ तक, फिर उसके बाद नींद आएगी, तो बच रहे, तो जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, युक्त आहार करना, तो ये सब नियम है, ये नियम पालन करेंगे तो भगवान के नाम में आसानी से, फिर आसन सही से बैठना, आपको बोले लेट के जप करूँगा, कैसे जप करूँगा, अभी लेट जाइए आप, देखिए फिर क्या होगा,
समझ रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सही आसन पद्मासन या सही से सब लोग कैसे बैठे हुए हैं, जैसे सीधे बैठे तुरंत मन अटेंशन बोलते सावधान तो एकदम क्या आता है एकदम मन, और फिर प्राणायाम सांसों को भी जब हम लोग धीरे धीरे लेते गहरी सांस लीजिए और फिर उसको छोड़िए, तब देखिए जब सांसों गहरी रूप से लेंगे और छोड़ेंगे तो मन क्या होगा एकदम शांत हो। और फिर पांचवा नंबर क्या है प्रत्याह, मतलब भौतिक भोगों को ज्यादा भोगना नहीं चाहिए, प्रत्याह समझ रहे इंद्रिय भोगों को अब अभी यहां पर माला हाथ में और बगल में रसगुल्ला रख देंगे कि बेटा रसगुल्ला खाएगा, अब एक तरफ माला है तो उसका रसगुल्ला ध्यान जाएगा कि समझ रहे तो रसगुल्ला को दूर रखना चाहिए उस समय, उसके बाद खा सकते हैं लेकिन भजन करते समय प्रत्याहार जरूर, और धीरे धीरे ऐसी शुद्धता लानी चाहिए कि वो खाने की इच्छा धीरे धीरे उसे ऊपर उठ जाए, ऐसा उठ जाए कि आपको फर्क ही नहीं पड़े रसगुल्ला पड़ा, लेकिन शुरू के स्तर पे हम दूर रहते खाते खाना करेंगे भजन के समय, लेकिन धीरे धीरे भजन में इतनी रुचि लानी चाहिए ध्यान फिर धारणा समाधि कि बगल में पड़ा भी हो तो फर्क नहीं, शुरू में फर्क पड़ता है इसलिए हम लोग दूर बना के रखते, समझ रहे तो अभी सब लोग सीधे बैठ जाएं और हम लोग साथ में जप करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले भगवत प्राप्ति की सरल विधि दी है भगवान का नाम जप, तो मेरे साथ वो बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, शिवासादि गौर भक्तवृंद। हम लोग सब लोग साथ में कोरस में जप करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्ण हरे राम हम लोग एक साथ जप करेंगे ठीक है, और जोर जोर से जप करेंगे, बहुत धीरे जप करने से मन इधर उधर विचलित हो सकता है, इसलिए जोर जोर से ध्यान पूर्वक जप करना है ठीक है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम हरे कृष्णा बोल तो मन इधर उधर फिर भाग जाए, और बहुत फास्ट करेंगे तो मन नहीं हरे किसी बात 2 मिनट में कंप्लीट कर देंगे ऐसा नहीं, तो हम लोग स्पीड पर करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एकदम ध्यान लगाना है। जब करते समय पद्म पुराण बोलता है जब का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आपका मन मंत्र में हो और मंत्र मन में, सबसे ज्यादा फायदा कब होगा जब मन कहाँ हो मंत्र में, मन कहाँ है मंत्र में लगा हो, और मंत्र कहाँ है मन में, और कुछ विचार नहीं घर के विचार, अभी कुछ 10 मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं कोई मनुष्य हूँ, मैं कोई स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मेरे बच्चे, अभी 10 मिनट के लिए आप भगवान के किसके हैं एकदम भगवान मैं आपका हूँ, मैं आप में समर्पण करता हूँ, पूरा अपना ध्यान आप में लगा दूंगा ठीक है, तो ध्यान पूर्वक भगवान को पुकारे और कुछ मत सोचे ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद श्रीवासादि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा तो भगवान का नाम जब सबने किया अच्छा लगा तो बोले हरि बोल हरि बोल तो 10 मिनट हम लोग भगवान के साथ एकदम बहुत अच्छे सब लोग जप करें जिसको बोलते हैं अभिन्नम तुम नाम नामी तो भगवान का ऐसे जप करेंगे तो आपको एकदम सचमुच में रहेगा भगवान से भगवान का नाम क्या है कितने लोग अच्छा लगा तुमको अच्छा लगा ना क्यों क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न ठीक है तो अभी हम लोग प्रोग्राम को समाप्त करेंगे 5 मिनट कीर्तन करके ठीक है सब लोग खड़े हो जाए अभी हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करेंगे
और उसके बाद किसी को माला लेनी होगी तो उसे ले सकते हैं, जो भी एक माला रोज जप करेंगे उनको माला देंगे बाद में।